भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। ऐसा लग रहा है एकदम जैसे जन्नत में कहीं घूम रहे हो। सो व्यू देखिए भाई यहाँ पर कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है, और सामने मेरे एकदम समुद्र का एरिया है पूरा। लगता है उधर कोई बड़ी मछली है, वो भाग रहा है ना जो बंदा, पूरा पीछे मेरी निशान खड़ी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज आप लोगों का भाई आप लोगों को इतनी खूबसूरत जगह घुमाने ले जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और व्यू देखना कितना बेहतरीन व्यू निकलेगा भाई साहब। ऐसा व्यू रहेगा, पानी, चाबी और चार्जर मैंने अपना ले लिया है, गड्डी अपन की इधर है, और अनलॉक करके फौरन यहाँ से निकल जाऊँगा। वीडियो पॉज कर करके आप लोगों तक व्यू पहुँचाऊँगा भाई। पेट्रोल निशान की सवारी करते हैं। चश्मा अपना निकाल लेता हूँ यहाँ से। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट करके बताना एक बार जरूर, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, ब्यूटीफुल व्यू रहेगा भाई साहब। आज से पहले ऐसा व्यू आपने कभी देखा नहीं होगा जो व्यू आज आप लोगों को दिखाऊंगा ना। और कमेंट शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना वीडियो को। पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, पहले तो गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। पेट्रोल स्टेशन पे पहुंच गया हूँ भाई और टैंक फुल करवाऊंगा। पेट्रोल की स्थिति बहुत नाजुक है, आधी आधी ऑनलाइन, फुल टैंक फुल। ये है भाई काला सा बेचारा, पता नहीं कहाँ का होगा। सिस्टम बढ़िया रहता है भाई इधर भी, पेट्रोल का बहुत सस्ता पेट्रोल है। पेट्रोल पंप पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है भाई, ₹1.900 फिल्स का है 1 लीटर, और टैंक फुल हो जाएगा मेरे ख्याल से यही 100-150 रियाल में फुल हो जाएगा टैंक। टैंक फुल हो गया भाई, पेट्रोल आया है 73 लीटर ₹139 का, 140 का ही कर दिया पूरा। करीब 2-2.5 हज़ार रुपये में जो है टैंक फुल हो जाता है अगर इंडिया से हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे। और टैंक फुल हो गया हमारा, सारा दिन कहीं भी घूमे कोई दिक्कत नहीं, 140 रियाल में टैंक फुल हो गया भाई। वैसे तो इसकी 100 लीटर का टैंक है, इसमें थोड़ा पेट्रोल था 20-30 लीटर पहले भी, लेकिन फिर भी मैंने उसमें डलवा ही लिया थोड़ा। सो गाइज फिलहाल हम पहुँचे हैं कॉर्निच, इस एरिया का नाम है कॉर्निच जहाँ पे मैं हूँ। दिखाऊँगा बस यहाँ का, ये सारे होटल्स हैं, बहुत फेमस होटल्स हैं यहाँ के, फेमस एरिया है पूरा ये, पूरा कॉर्निच का एरिया है, कॉर्निच बोलते हैं ये सारी बिल्डिंग्स जो भी हैं ये सब। ये तो नई बिल्डिंग बन रही है, ये पूरा होटल्स हैं, बहुत महंगे होटल हैं। पिछली वीडियो जो मैंने डाल रखी है ना वो इसी जगह की है, वो उस साइड की समुद्र के एरिया, जो समुद्र साइड है वो भी दिखाऊंगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को। और व्यू देखो कितना प्यारा है। जो व्यू है बहुत खूबसूरत व्यू है, और सामने मेरे एकदम समुद्र का एरिया है, पीछे मेरी निशान खड़ी हुई है, और कुछ कर रहे हैं ये देखो, समुद्र है पूरा, बोट वोट सब यहाँ है, आप घूमने जा सकते हो अंदर बोट में बैठ के ना। पानी देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ना भाई साहब, ब्लू कलर है, एकदम मस्त पानी है, और नहा भी सकते हैं इसमें वैसे तो, लेकिन नमक का पानी है तो नहा के ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। कॉर्निच का व्यू, ये तो इधर साइड का कोना है, अंदर जिस तरफ से मैं अभी आया हूँ उस तरफ बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग है। मैं गाड़ी चलाते हुए ड्राइव करते हुए तो वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि कैमरे लगे रहते हैं जगह जगह, और फौरन जो है आपका बिना बताए चलान हो जाता है खाली मैसेज आएगा फ़ोन पे कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट चुके हैं। ये आ रही है देखो, नाव आ रही है लकड़ी की, इसमें लोग बैठ,
ये जा रही है तुम्हारी लकड़ी की नाव, इसमें आदमी है अंदर और सॉन्ग्स भी चल रहे हैं इसके अंदर, काफ़ी मज़ा, लोग भाग ले रहे हैं। थोड़ा गर्मी का टाइम है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं है फिलहाल, शाम के टाइम काफ़ी भीड़ रहती है। और ये स्कूटर आप घूमने के लिए किराए पे ले सकते हैं, उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करके फिर आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तब आपको ये किराए पे मिलता है भाई। सामने पार्किंग कर दिया भाई, टूरियल पर हावर चार्ज है। और ये पूरा कॉर्निश का एरिया है, प्राइवेट है सब, जितने भी ये शिप खड़े हुए हैं ये सब टोटल प्राइवेट हैं, इनमें कोई एंट्री नहीं है, बस बाहर से देख सकते हैं। ये जो यहाँ के जो रईस लोग हैं वो उन लोगों के ये प्राइवेट हैं शिप, जितने भी हैं लकड़ी के हैं लोहे के हैं सब। और स्मेल थोड़ी ज़्यादा आ रही है यार इधर, लगता है पानी। और ये तो लगता है काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है शिप यहाँ पर। व्यू वैसे काफ़ी अच्छा है बहुत हद तक, ये भी पुराना है, ये भी चालू नहीं है। तो यहाँ अथॉरिटी मैंने ले ली है अंदर जाने के लिए, अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, दिखाता हूँ भाई। यार मज़ा आ रहा है भाई साहब, बहुत मज़ा आ रहा है, फुल इन्जॉय। इसके अंदर तो आदमी बैठे हैं यार,